वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. इन लास्ट लेक्चर इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वी हैव स्टडीड अबाउट द हॉरिजॉन्टल कर्व, राइट? वी हैव स्टडीड अबाउट द हॉरिजॉन्टल कर्व दैट हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओवर टर्निंग एंड लेटरल स्केडिंग एंड वॉट आर द डिफरेंट कंडीशंस टू अवॉइड द ओवर टर्निंग स्केडिंग ओवर टर्निंग एंड स्केडिंग बोथ एंड व्हीकल which overturn prior to the skidding and vehicle which skid prior to the overturning, right? So we have studied many of the conditions in yesterday's lecture, and today's we are going to discuss about the most important topic of the transportation engineering is super elevation, right? Super elevation may also be called as cant, or it may also be called as banking, right? So first of all, we should start the topic. First of all, the question is what is super elevation? ठीक है, तो super elevation हम किसको बोलते हैं? जैसा कि देखिए, हम लोगों ने अभी horizontal curve जब पढ़ा था, तो horizontal curve में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये हमारा कोई intersection का road है, और इस road की connectivity के लिए हमने क्या किया था कि एक circular curve का use किया था. ठीक है, एक circular curve का use किया हुआ था. ठीक है, अब ये जो हम सुपर एलिवेशन या कैंट या बैंकिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे ही प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सुपर एलिवेशन जो है वो होता क्या है. दरअसल क्या होता है कि जो हमारी पेवमेंट होती है, ठीक है, हम ये मान के चलें अगर कि ये हमारी दरअसल हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारी पेवमेंट का एक हॉरिजॉन्टल कर्व है जो, ठीक है, और ये हमारा इनर साइड है एंड ये हमारा आउटर साइड है. ठीक है, तो ये जो हम आउटर एज होता है, आप लोगों ने कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी हमारा रोड होता है, वो रोड का जो आउटर साइड होता है, वो आउटर साइड हमारा थोड़ा सा इनर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, रेज्ड होता है. ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊँचा होता है. तो सुपर एलिवेशन किसको बोल सकते हैं? सुपर एलिवेशन हम कह सकते हैं कि रेजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज. मतलब ये आउटर एज जो है वो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ रहता है, किसके रिस्पेक्ट में? हमारे इनर एज के रिस्पेक्ट में. ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो आउटर एज है, हम उसको क्यों राइज करते हैं? तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जब हम कर्व पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो ये जो होता है हमारा सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक, और ये हमारा आउटर है और ये हमारा इनर है. तो आउटर एजेस पे क्या लगता है, हमारा कौन सा फोर्स एक्ट करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए जो है वो हमारा सुपर एलिवेशन जो है हम लगाते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो सुपर एलिवेशन होता है वो क्या होता है कि रेजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ द पेवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सुपर एलिवेशन. अब आ जाते हैं कि हम इसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं या फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा पेमेंट है और ये इसका इनर एज है और ये हमारा आउटर एज है. ठीक है, ये इनर है, ये आउटर है. अब हम देख सकते हैं कि इनर के रिस्पेक्ट में जो हमारा आउटर एज है वो थोड़ी सी हाइट पर है. ठीक, ये हो गया हमारा. अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक व्हीकल है. ठीक है, ये व्हीकल है. अब इस व्हीकल में सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे हमारा क्या लग रहा होता है, वेट डब्लू. ठीक है, ये एज कितने पे राइज है, हम मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे राइज है. ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा इधर एक ये हमारा यहाँ पर एक ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है, ड्राइविंग फोर्स, जिसको हम बोलते हैं पी. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे इनके फोर्सेस को. तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये डब्लू का जो कॉम्पोनेंट आएगा, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा डब्लू कॉस थीटा. ठीक है, और इधर जो हमारा फोर्स आएगा वो हो जाएगा W साइन थीटा. ठीक है, W कॉस थीटा एंड W साइन थीटा. ठीक है, अब ये जो हमारा P है ये भी हमारा रिजॉल्व होगा. सपोज अगर ये थीटा एंगल बनाएगा, यहाँ से थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा P कॉस थीटा, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, P साइन थीटा. ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है. ठीक है, अब ये फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं के इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे. ये हमारा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी, वही हमने अभी आपको यहाँ पर बताया था. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्सेस लेते हैं, इनको रिजॉल्व करते हैं. रिजॉल्व तो हमने कर लिया है, अब हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं पी कॉस थीटा. तो पी
पी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारा राइट हैंड फोर्सेस है, तो राइट हैंड फोर्सेस किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड फोर्सेस के बराबर। तो पी कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा डब्लू साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये फोर्सेस। देखिए अब देखिए ये जो हमारा ड्राइविंग फोर्स यहाँ पी लग रहा है, तो ड्राइविंग इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा यहाँ पर लगेगा जो कि स्मॉल एफ इंटू डब्लू के बराबर होगा, ठीक है। और स्मॉल एफ़ को हम लोग स्मॉल एफ ही लिख लेते हैं, और डब्लू को हम क्या लिख सकते हैं, डब्लू हमारा ये वेट नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पी साइन थीटा प्लस डब्लू कॉस थीटा, इसके बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ इंटू पी साइन थीटा प्लस डब्लू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया सबसे पहले, जो ये आपको दिख रहा है कि पी कॉस थीटा, ये जो हमारा राइट हैंड फोर्सेज है, इक्वल्स टू डब्लू साइन थीटा प्लस ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ है यहाँ पे, स्मॉल एफ इंटू डब्लू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ठीक। तो हमें, क्योंकि देखिए हमने इसके पहले जितने भी वैल्यूज़ लिए थे वो सारे के सारे हमने एक टर्म में लिए थे, लाइक यहाँ पर देखो पी बाई डब्ल्यू, लेटरल स्केलिंग पी बाई डब्ल्यू, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पी वाई डब्ल्यू, इसको भी हम क्या करेंगे पी वाई डब्ल्यू के रेशियो में लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम पी वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, डब्ल्यू वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमारा पी कॉस थीटा है और यहाँ पर क्या है एफ इंटू पी साइन थीटा, ठीक है। तो हम ये जो पी साइन थीटा एफ इन, ये एफ बाहर है, तो ये एफ इंटू पी साइन थीटा जो होगा उसको हम इस साइड लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा माइनस एफ इंटू पी साइन थीटा इज इक्वल्स टू डब्लू साइन थीटा प्लस एफ इंटू डब्लू कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं पी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो पी को अगर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया इस इक्वेशन में, इसको इधर लाने के बाद ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू डब्लू साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन जो आपको यहाँ पर सेकंड में दिख रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम ये मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, जैसे ये हमारा थीटा बहुत स्मॉल है, ऐसा हम क्यों मान रहे हैं। अच्छा देखो, जो हमारा आउटर एज होता है ना, जो इनर एज के रिस्पेक्ट में जो हम आउटर एज को राइज करते हैं, वो हम बहुत ही स्मॉल राइज देते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा इसको राइज दे देंगे तो फिर वो हमारे लिए जो डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम थीटा की वैल्यू रखते हैं ना, वो थीटा की वैल्यू बहुत ही कम रखते हैं, ठीक। तो ये अगर हमारा थीटा बहुत कम है तो थीटा जो होगा वो लगभग इसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे कॉस जीरो लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पी इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा वन माइनस एफ इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा प्लस एफ इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा वन। तो ये हो गया हमारा ये इक्वेशन, ठीक, ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पी बाई डब्ल्यू ले लेते हैं, पी बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वॉट, तो पी बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, अब देखते हैं इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन में हमारा इधर सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, टेन थीटा प्लस एफ, टेन थीटा प्लस एफ अपॉन वन माइनस एफ टेन थीटा, वन माइनस एफ टेन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पी वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा की जगह पे टेन थीटा को ही हम लोग ई मान लेते हैं, जो सुपर एलिवेशन है हमारा या स्लोप कह लो। तो ये हो गया हमारा ई प्लस एफ इज इक्वल टू वन माइनस ई इंटू एफ, ये आ गया हमारा पी वाई डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या ये इक्वेशन जो निकाला है पी वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू ई प्लस एफ अपॉन वन माइनस ई एफ, ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा। क्या होता है कि जो हमारा ई होता है सुपर एलिवेशन, ये हम जनरली या फिर ये कह सकते हैं कि अर्बन रूट के केस में 7% से ज़्यादा वैल्यू नहीं लेते। तो 7% मतलब आपका हो गया 7 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 0.07, ठीक है।
तो ई जो होगा वो हमारा जनरली 7% के बराबर होगा, और जो एफ़ की वैल्यू हम लोग नॉर्मली लेते हैं वो 0.15 से ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हमारा हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल लेटरल फ्रैक्शन, ठीक है, 0.15। तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ई बराबर 7 यानी कि 0.07 रखें और एफ़ की वैल्यू हम रखें 0.15, तो अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू को अगर पुट करें तो ये हमारा ई इंटू एफ़ यानी कि 0.07 इंटू 0.15, ये आप देखोगे तो ये लगभग 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया है कि अगर हम ये हमारा 1 के बराबर आ रहा है, सॉरी ये हमारा आ रहा है 0.11, और 1 माइनस ई एफ करेंगे तो ये लगभग 1 के बराबर है, यानी कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर टर्म है ना ये 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि P/W इज इक्वल टू E+F, ठीक है, क्योंकि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टर्म है 1 माइनस ई एफ, वो उसको कैलकुलेट करने पे एक अप्रॉक्सीमेटली 1 की वैल्यू के बराबर आ रही है, तो उसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा इक्वेशन आ गया क्या, E+F, ठीक है। अच्छा जी, P/W इज इक्वल्स टू V² / G × R, ये हमने अभी इसके पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब निकाला था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P = mv² / R से, तो वहाँ से हमने P/W की वैल्यू क्या निकाली थी, V² / GR के बराबर, ठीक है। अब देखो जो ये हमारा P/W है और ये भी हमारा P/W है, ठीक है, तो अगर P/W इज इक्वल टू V² / GR एंड P/W इज इक्वल टू E+F, तो हम ये कह सकते हैं कि E+F इज इक्वल टू V² / GR। अब हमें यही फॉर्मूला जो है कि याद रखना है कि E+F इज इक्वल टू V² / G × R, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, और यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होगा जब हम सॉल्व करेंगे सुपर एलिवेशन, ठीक। देख लेते हैं एज़ पर आई आर सी हम सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बोल रखा है कि जनरली हम 7% लेते हैं। होता क्या है कि जो हमारा प्लेन एंड रोलिंग टेरेन होता है उसके लिए हमारी ई की वैल्यू होती है 7%, ठीक है, अर्बन रोड है उसके लिए 4%, हिली टेरेन के लिए हमारा 10%, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम डिज़ाइन करते हैं वो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए डिज़ाइन करते हैं, इसलिए हम वैल्यू 7% लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी कितनी, 0.07, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा देखिए, अब अगर मान लीजिए कि हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे तो सुपर एलिवेशन दे रहे हैं, बात समझ में आ रही है, लेकिन वैसे भी अगर हम देखें तो हम रोड में सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते ही हैं। मतलब सुपर एलिवेशन मतलब क्या है, राइज हो गया आपका, ये राइज हम लोग सुपर एलिवेशन राइज जो है वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम कैम्बर देते हैं तो भी हम राइज देते हैं, ठीक है, और कैम्बर हम हर जगह देते हैं क्योंकि हमें ड्रेन ऑफ करना होता है रेन वाटर को, तो मिनिमम सुपर एलिवेशन जो कैम्बर का होता है वो मतलब मिनिमम सुपर एलिवेशन जो देते हैं वो हम कैम्बर तो मिनिमम देते ही देते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के, कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है। तो देखिए जो हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब ये हो गया कि इट इज़ दैट सुपर एलिवेशन विच व्हेन प्रोवाइडेड इम्पोज इक्वल प्रेशर ऑन द आउटसाइड एंड इनसाइड टायर ऑफ द व्हीकल। मतलब ये हमारा वो सुपर एलिवेशन है जो इक्वल प्रेशर इम्पोज करता है इनर एंड इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों टायर्स पे, ठीक है, दोनों पर हमारा ये इक्वल प्रेशर जो है वो जनरेट करता है, ठीक, ओके। तो अगर हम फॉर्मूलाज देखें तो अभी हमने एक फार्मूला निकाला था कि E+F इज इक्वल टू V² / GR, ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है E+F इज इक्वल टू V² / GR, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के केस में क्योंकि दोनों टायर पे हमारा इक्वल प्रेशर जनरेट हो रहा है, एफ की जो वैल्यू है वो हो जाती है हमारी 0, ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू 0, और अगर एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं कि E+F इज इक्वल्स टू
सॉरी लिख सकते हैं हम इसको ई इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। ठीक है, ये जो v होगा यहाँ पर वो होगा हमारा मीटर पर सेकेंड में। आप देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे टर्म्स हैं वो क्या है, e जो है हमारा सुपर एलिवेशन है, v जो है वो हमारा स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, g इज़ 9.81 सब जानते हैं, r की जो वैल्यू हमारा रेडियस ऑफ कर्व है वो होगा हमारा मीटर में। ठीक है, तो e की वैल्यू जो होगी वो v स्क्वायर अपॉन जी आर के बराबर हो जाएगी। अगर हम v की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में रखते हैं तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे और e की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ठीक है, अगर हमें मीटर पर सेकंड में वैल्यू को रखनी है तो ये फार्मूला है हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो वी स्क्वायर अपॉन 127 वी में हमें ये वैल्यू जो रखनी है वो के एम पी एच में रखनी है और ये आर जो है वो हमारा मीटर में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहो तो वी स्क्वायर अपॉन जी आर में वैल्यू रखो, लेकिन ये वी हमें मीटर पर सेकेंड में रखना होगा या फिर हमको वी स्क्वायर अपॉन 127 आर में रखो, ये वैल्यू हमें के एम पी एच में रखनी होगी। दोनों से आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ये इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की केस में है। ठीक है, ओके देन दिस वाज ऑल अबाउट दी सुपर एलिवेशन। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा था वो कैलकुलेशन पढ़ा हुआ है, अभी हमें डिज़ाइन के लिए पढ़ना है कि हमें डिज़ाइन अगर करनी है सुपर एलिवेशन तो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ रेडियस ऑफ कर्व इज़ 100 मीटर, यानी आर की वैल्यू जो है वो हमें 100 मीटर दी हुई है। ठीक है, इफ़ आर इज़ 100 मीटर एंड वी इज़ 50 के एम पी एच, इफ़ आर इज़ 100 मीटर एंड वी इज़ 50 के एम पी एच एंड स्मॉल एफ इज़ 0.15, एफ की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.15। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल तीन चीज़ें हमसे निकालने के लिए पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि हमें सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है इफ़ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड टू बी डेवलप। अगर हमारा फुल लेटरल फ्रिक्शन लग रहा है तो ई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है अगर फुल लेटरल फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है तो। ठीक है, सेकेंड हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी सेकेंड में हमें एफ की वैल्यू निकालनी है इफ़ नो सुपर एलिवेशन इज़ प्रोवाइडेड, यानी कि अगर हमने वहाँ पे ई की वैल्यू ज़ीरो दी हुई है तो हमें एफ़ की वैल्यू निकालनी है, केस नंबर टू। एंड थर्ड हमसे पूछ रहा है कि फाइंड इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक है, ये हमारा ई की वैल्यू के लिए हो गया है ना। अब हम आ जाते हैं इस न्यूमेरिकल पे। तो सबसे पहले हम केस वन लेके चलेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि कैलकुलेट सुपर एलिवेशन इफ़ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम टू बी डेवलप्ड। तो हमारा फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ये फार्मूला हमने पढ़ाई है। ठीक है, अब हमसे इसमें क्या ई की वैल्यू जो है हमें निकालनी है, ई की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और ये एफ़ की वैल्यू क्या होगी, 0.15। ठीक है, 0.15 ये हमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है। वी की वैल्यू क्या होगी हमारी, 50 इंटू, क्योंकि ये के एम पी एच में है और मीटर पर सेकेंड में करना है, तो 1000/3600 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 9.81 इंटू आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 100 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी e की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने पे 0.046, जो कि अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 4.6% के बराबर होगी। ठीक है, और हमें पता है ये 7% से कम होनी चाहिए, इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारी ओके है 4.6 वाली। ठीक, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सेकेंड केस पे, केस नंबर टू, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ़ की वैल्यू हमें निकालनी है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ़ नो सुपर एलिवेशन इज़ प्रोवाइडेड, यानी अगर हमें ई की वैल्यू ज़ीरो दी हुई है तो एफ़ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगेन यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। अब यहाँ पे ई की वैल्यू हमें क्या रख देनी है, ज़ीरो, तो एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। ठीक है,
वी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 50 × 1000/3600 का हमें रखना है स्क्वायर अपॉन जी, 9.81 × r, इंटू आर की जगह पे हमें क्या रखना है 100, ठीक है, ये हमारा होगा। तो इस तरीके से जब हम f की वैल्यू निकालेंगे तो f की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0.196। अब देखिए हमें इसमें सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ना कि डिज़ाइन करने के लिए। तो कैलकुलेट करने पे हमारा जो भी वैल्यू आएगा हमें उसे एज इट इज़ छोड़ देना है। लेकिन अगर यही अगर हम डिज़ाइन कर रहे होते क्वेश्चन को, मतलब अगर हमसे बोलता कि डिज़ाइन द सुपर एलिवेशन, तो फिर उस कंडीशन में ये जो हमारी वैल्यू आई है ना 0.196, ये अडॉप्टेबल नहीं होती, क्योंकि एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू हम 0.15 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो वो हम फर्दर पढ़ेंगे जब हम डिज़ाइन पढ़ेंगे तब। फिलहाल हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो कैलकुलेशन पे हमें जो वैल्यू आई है 0.196 आई है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो अगर हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालेंगे तो हमारी e की वैल्यू हो जाएगी v² / 127 r, e = v² / 127 r। तो v की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 50, ठीक है, और ये हमें रखनी है KMPH में ही। तो 50 / 127 × r की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 100। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.02%, यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन सुपर एलिवेशन के बेस पे। लेकिन हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमसे क्वेश्चन सुपर एलिवेशन के रिगार्डिंग पूछता है तो हमें ये चीज़ देखनी है कि वहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रही है कि डिज़ाइन करने को बोल रही है, क्योंकि दोनों के लिए हमारे सुपर एलिवेशन में दोनों का फंडा अलग है, फॉर्मूला भी अलग है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में तो अगर कोई वैल्यू हमारी आ रही है तो ठीक है, जो वैल्यू आ रही है हम उसको लेंगे क्योंकि वो हमारा कैलकुलेशन पार्ट है। बट डिज़ाइन में हमारी चीज़ें आस्पेक्ट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। तो डिज़ाइन कैसे करना है उसको अभी हम आगे इसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आप सबको। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन का अटेनमेंट कैसे करें, ठीक है, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन तो इसमें सबसे पहला है कि एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई पेवमेंट है, ठीक है, और ये इनर एज है और ये आउटर एज है, ठीक है, इनर एंड आउटर है, तो ये इसका क्राउन है, ठीक है, क्राउन पार्ट है। उसी तरीके से ये अगर हमारा पेवमेंट है, इनर एंड आउटर है, तो ये भी क्राउन पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम क्राउन पार्ट को जो है रिमूव कर रहे हैं, तो आउटर हाफ ऑफ द कैम्बर इज़ रोटेटेड अबाउट सेंटर, या तो हम इसको सेंटर के अबाउट रोटेट कर दें, या फिर हम इसको क्या करें, ये हमारा डायगोनल क्राउन मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव सुपर एलिवेशन मूविंग ऑन आउटर हेड। अब देखिए इसको हम किस तरीके से अटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है कि रोटेशन ऑफ द पेमेंट अगर हम सेंटर के अबाउट करते हैं या फिर इनर एज के अबाउट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा पेमेंट है, ठीक है, सॉरी, ये अगर हमारा सर्फेस है हॉरिजॉन्टल सर्फेस और हमारा पेमेंट है, तो हमने क्या किया है कि ये हमारा इनर एज है एंड ये आउटर एज है। तो हम इसमें दो केस मान के चलते हैं, एक तो रोटेशन अबाउट इनर एज के अबाउट, और एक रोटेशन अबाउट सेंटर। तो ये हमारा इनर एज है, तो इनर एज पे क्या करते हैं, इसके इनर एज के अबाउट रोटेट कर देते हैं, मतलब इनर एज ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये हमारा इनर एज हो गया, ये आउटर एज हो गया, और हमने क्या किया, इनर के अबाउट रोटेट कर दिया, ठीक। ये हमारा जो राइज आएगा ये क्या हो जाएगा, सुपर एलिवेशन ई, ठीक है, आउटर एज पे, ठीक। तो इनर एज के अबाउट हमने रोटेशन इसमें दिया हुआ है। अच्छा, अब दूसरा आ जाते हैं, सेकंड जो है हमारा रोटेशन अबाउट सेंटर। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हमारा सेंटर पार्ट है, ठीक है, ये हमारा एज यूजुअल आउटर है और ये हमारा इनर है, और हमने क्या किया, इसमें सेंटर के अबाउट रोटेट कर दिया, मतलब अगर ये सेंटर ऑफ द पेवमेंट है तो हमने क्या किया है, इसके अबाउट इसका रोटेशन कर दिया है, ठीक है।
जैसे अगर हम देखेंगे तो अगर हम ये आउटर सरफेस पे देखेंगे तो ये अगर हम सेंटर के अबाउट रोटेट करेंगे तो ये हमें किस पे बनाना पड़ेगा, फिलिंग पे। मतलब कोई मटेरियल होगा उसकी हम फिलिंग करेंगे और फिर हम पेवमेंट को इस पे इस्टेब्लिश करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसके लिए हमें कटिंग करना होगा, ठीक है। कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद हम फिर पेवमेंट को शिफ्ट करेंगे नीचे, ठीक है। ये हो गया हमारा रोटेशन ऑफ द पेवमेंट अबाउट सेंटर एंड इनर एज। होता क्या है कि जब हम ट्रांजिशन कर्व के लिए डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हमें ये टर्म और इसके लिए फॉर्मूला जो है वो हमारा डिराइव होता है, मतलब आता है, जिसका यूज़ वो करते हैं हम, ठीक है। उसी लिए हमने पहले ही आपको ये बता दिया कि अगर हमारा रोटेशन इनर एज के अबाउट होगा और सेंटर के अबाउट होगा तो एक्चुअली में ये होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद अभी जो फॉर्मूला होगा वो हम ट्रांजिशन कर्व पढ़ेंगे, उसमें भी जब हम लेंथ को कैलकुलेट करेंगे ट्रांजिशन कर्व के, तो फिर हम ये देखेंगे कि हाँ हमें कहाँ पर रोटेशन अबाउट इनर एज करना है, कहाँ पर रोटेशन अबाउट सेंटर करना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ट्रांजिशन कर्व पे। बट बिफोर वी स्टार्ट ट्रांजिशन कर्व, लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक। वैसे तो हमको इसको अभी पढ़ना है आगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि क्या होता है हमारा ट्रांजिशन कर्व। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और ये हमारी स्ट्रेट रोड है। अब इस स्ट्रेट रोड से हमें जोड़ना है, लेकिन होता क्या है कि ये स्ट्रेट रोड और ये स्ट्रेट रोड को जोड़ने के लिए हम किसी स्ट्रेट रोड का यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्कुलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सर्कल, अगर सपोज़ कि हमारा स्ट्रेट रोड है और सडन हमने एक सर्कल दे दिया और फिर स्ट्रेट रोड है, तो ऐसे में जो हमको जर्क फील होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इंट्रोडक्शन की वजह से या फिर सुपर एलिवेशन की वजह से, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए जब हम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम वहाँ पर ट्रांजिशन फेज़ का यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हमारा स्ट्रेट रोड है और यहाँ से धीरे धीरे हमने ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हुआ हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, वो कहलाता है हमारा ट्रांजिशन फेज़, ठीक है। तो अभी इसके बारे में ब्रीफली हमें पढ़ना है, तो अभी जब हम ट्रांजिशन कर पढ़ेंगे तो उस केस में हम लोग इसकी वैल्यू को मतलब देखेंगे कि लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व हम कैसे निकालते हैं, ठीक। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन की डिज़ाइन अगर हमें करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे, तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम सुपर एलिवेशन की डिज़ाइन देखते हैं कि हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए डिज़ाइन करना होता है, ठीक है, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। अब बात यह आती है कि ये मिक्स ट्रैफिक कंडीशन क्या होती है। तो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल हैं, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास कार है, ट्रक है, और वो साथ में टू व्हीलर भी है और साइकिल भी है, ठीक है, लॉरी भी है, ट्रैक्टर, मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग क्लास ऑफ व्हीकल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं सुपर एलिवेशन को तो हम उसको मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के अंडर में डिज़ाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल हैं वो अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। तो अगर हमने किसी, जैसे अगर हमने यहाँ पर दो कैटेगरी बना लेते हैं, एक होता है हमारा फास्टर व्हीकल और एक होता है हमारा स्लोअर व्हीकल। जैसे मान लीजिए आपका कार है, बस है, ये आपके फास्टर व्हीकल में आ गए। आपका टू व्हीलर है, साइकिल है, ये हमारे आ जाए स्लोअर व्हीकल में, ठीक है। तो ये जो हमारे फास्टर व्हीकल होते हैं हमारे स्लोअर व्हीकल होते हैं। तो अगर हम फास्टर के हिसाब से बनाएंगे तो स्लोअर वाले को प्रॉब्लम होगी, स्लोअर के हिसाब से बनाएंगे तो फास्टर वाले को प्रॉब्लम होगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम जो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए डिज़ाइन करते हैं तो हमें फास्टर एंड स्लोअर दोनों व्हीकल्स के लिए ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जब भी हम सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करते हैं तो हमेशा हम उसे मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में डिज़ाइन करते हैं, ताकि किसी भी क्लास ऑफ व्हीकल के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे तो वो अगर ज़्यादा स्पीड से भी जाए चाहे तो वो कम स्पीड से भी जाए, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं जो हमारी, ये तो बात हो गई हमारी ये पॉइंट नंबर वन की। देखिए पॉइंट नंबर टू क्या कर रहा है कि हाई वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन बाई निगलेक्टिंग लेटरल फ्रिक्शन इट्स सेफर फॉर फास्टर मूविंग व्हीकल बट इनकन्वीनियंट फॉर स्लोअर मूविंग व्हीकल।
अब देखिए, अगर हम सुपर एलिवेशन ज़्यादा देते हैं, तो सुपर एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, हमने राइज ज़्यादा दे दी आउटर पे और ये हमारा इनर पे। तो अगर हम आउटर पे राइज ज़्यादा दे देंगे, यानी कि अगर हम हाई वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन लेते हैं और फ्रिक्शन को अगर हम यहाँ पे निगलेक्ट करके अगर हम हाई वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन ले भी, तो अगर जैसे मान लीजिए कि आप खुद ऐसे सोचो कि अगर हमारा कोई मोड है और वहाँ का आउटर एज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ है, तो अगर आप तेज़ी से आओगे तब तो आपके लिए ठीक होगा, लेकिन अगर आप स्लोली आओगे तो यहाँ पर आपको इनकन्वीनियंस फील होगा। ठीक है, तो वही चीज़ को इसमें कह रहा है कि हाई वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन बाय निगलेक्टिंग लैटरल फ्रिक्शन इज सेफर फॉर द फास्ट मूविंग व्हीकल बट इनकन्वीनियंट फॉर द स्लोअर मूविंग व्हीकल। तो ये जो हमारी सुपर एलिवेशन की वैल्यू अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो ये हमारे फास्टर व्हीकल के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन स्लोअर व्हीकल के लिए इनकन्वीनियंस होगा। ठीक है, अब इसी के ऑपोजिट देखो, पॉइंट नंबर 3 में बोलता है कि अगर हम सुपर एलिवेशन को कम कर देते हैं, मतलब अगर हम बहुत कम रखें, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अब इस पे लेटरल फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, और ये करना हमारे फास्टर मूविंग व्हीकल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, यानी कि हम सुपर एलिवेशन को ना तो ज़्यादा रखें ना ही तो कम रखें, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो स्लोअर व्हीकल को प्रॉब्लम होगी, कम रखेंगे तो फास्टर व्हीकल को प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के आधार पर ये चीज़ देखी गई है कि जो सुपर एलिवेशन है, ठीक है, उसको हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए। ठीक, बेसिकली तो हमने सुपर एलिवेशन को इसीलिए प्रोवाइड किया हुआ ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट कर सके। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारी स्पीड होती है ना, जैसे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें वी जो थी ये हमारी क्या थी, स्पीड, जो कि इसमें थी KmPH में। तो अब ये हो गया कि अगर हमें प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के बेसिस पे चलें कि हमें फास्टर एंड स्लोअर दोनों व्हीकल को सेफ रखना हो, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम ये जो V है ना, इस V को 75% लें अगर, तो फिर हमारे डिज़ाइन के लिए ये सबसे सूटेबल होगा। यानी ये जो V होता है इसको हम 75% लें, ठीक है, ये 0.75% लें, तो 0.75 V लें तो ये हमारा डिज़ाइन के लिए मोस्ट सूटेबल होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जब डिज़ाइन किया था तो 75% ऑफ द डिज़ाइन स्पीड, जो भी हमारी स्पीड होगी उसका 75% लेंगे। तो इस वजह से हमारा जो कैलकुलेशन और जो हमारा फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, देखो, सबसे पहले तो हमने फार्मूला E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सुपर एलिवेशन के लिए। अब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बोला है कि F की वैल्यू को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अगर हम लिटरल फ्रिक्शन, अगर हम सुपर एलिवेशन ज़्यादा लेंगे तो लिटरल फ्रिक्शन को तो अवॉइड उस केस में करना ही पड़ेगा, और कम लेंगे तो फिर हमारा लेटरल फ्रिक्शन तो रहेगा लेकिन वो इनकन्वीनियंस हो जाएगा किसके लिए, फास्टर व्हीकल के लिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर F बराबर 0 रखते हैं, यानी कि यहाँ पर F का कोई रोल आपका नहीं होगा, F बराबर हमने 0 रख दिया। और ये जो V की वैल्यू है ये हमें, अब देखिए यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन जी आर को मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर भी है, तो आप किसी भी एक वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हमें V की वैल्यू KmPH में दी रहती है, तो इसलिए हम यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन 127 आर वाले फार्मूले को ही लेके चल रहे हैं। तो अगर ये हमारा 75% है, तो अब देखो E इज इक्वल टू F तो हमारा 0 ही हो गया, बात खत्म हो गई, V स्क्वायर अपॉन जी आर को छोड़ रही हूँ क्योंकि इसको हमें लेना है। तो ये हो गया हमारा 0.75 V का स्क्वायर अपॉन 127 R। ठीक है, अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन 225 R, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी सुपर एलिवेशन की, जो कि डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, क्योंकि अब हमें डिज़ाइन में कितना लेना है, 75% ऑफ दी स्पीड लेनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी V स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर, ये हमारी आ गई E की वैल्यू, जहाँ पे ये जो V है ना वो हमारा किस में है, KmPH में है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमने वैल्यू यहाँ पर E की निकाल ली। अब देखते हैं कि अब हम इसे कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। तो जब हमसे बोलेगा डिज़ाइन करने के लिए क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब भी हमसे क्वेश्चन बोलता है कि डिज़ाइन दी सुपर एलिवेशन ऑफ, आपको जो भी डेटा दिया रहेगा तो हमें स्टेप बाय स्टेप उस पर मूव करना है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे ई की वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं ई कैलकुलेटेड। ठीक,
और ये e की वैल्यू हम निकालते हैं किस फॉर्मूले से, क्योंकि डिज़ाइन कर रहे हैं तो v स्क्वायर अपॉन 225 r से हम e की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। और v जो है वो किस में है, km ph में है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे e कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब देखो, अगर e कैलकुलेटेड की वैल्यू, इफ़ e कैलकुलेटेड इज़ लेस देन e मैक्स, अब e मैक्स हमारा क्या होगा, तो e मैक्स हमारे पास कितना है, 0.07, ठीक है, क्योंकि जनरली हम कितना लेते हैं, 7%। तो अगर हमारी e की वैल्यू जो है वो 0.07 e मैक्स हम मान लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली अब ये भी हो सकता है कि आप बोलो कि 4% भी होता है, 10% भी होता है, लेकिन वो हिली टेरेन उसके लिए है। तो हमें ज़्यादातर हम जो सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं ना, वो सुपर एलिवेशन हम डिज़ाइन करते हैं प्लेन एंड रोलिंग के लिए। इस वजह से हम e की वैल्यू को कितना लेते हैं, e max 0.07। तो अगर मान लीजिए कि e की वैल्यू हमने e कैलकुलेटेड से निकाली v स्क्वायर अपॉन 225 r से, ठीक। अब यहाँ पर हमारी e कैलकुलेटेड की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कंपैरिजन करेंगे e max की वैल्यू से। तो सपोज़ ये हमारा e कैलकुलेटेड है, ठीक है, और e कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारी जितनी भी आएगी उसको हम e max से कंपैरिजन करेंगे कि वो वैल्यू e max से ज़्यादा है या फिर e max से कम है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो वैल्यू हमारी e max से कम है, e कैलकुलेटेड की मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए, 0.07। अगर वो 0.07 से कम है, ठीक है, तो फिर हमने जो e की वैल्यू क्वेश्चन हमारी जो कैलकुलेशन पे आई है, जैसे मान लीजिए अगर 0.07 से कम है, मान लीजिए 0.05 है, इसका मतलब है कि वैल्यू बिल्कुल सही है, मतलब हमारा जो वैल्यू आई है e की वो सही है, क्योंकि वो अंडर 0.07 है, ठीक है। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारी e कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सपोज़ अगर हमारी वैल्यू e कैलकुलेशन की वैल्यू जो है वो e max से ज़्यादा आ रही, अगर 0.07 से ज़्यादा आ जाएगी, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब बताते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, तो स्टेप नंबर 2 आपका कहता है कि e प्लस f इज़ इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 127 r, ठीक है, v 27, ये आपका फॉर्मूला नॉर्मल है ही। अब e की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 0.07, ठीक है, e इज़ इक्वल टू 0.07। तो e की वैल्यू हो गई हमारी 0.07 प्लस f इज़ इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 127 r, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, f की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि f की वैल्यू कितनी आ रही है। अब देखिए, अगर f की वैल्यू जो है वो हमारी 0.15 से कम आ गई, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो सही होगी f की, और e की वैल्यू हमारी e max होगी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, क्योंकि ये हम तभी e की वैल्यू ज़्यादा आएगी तभी हम स्टेप टू की तरफ जाएंगे। तो अब बात यह आती है कि अगर f की वैल्यू आपकी 0.15 के अंडर में आ गई, तो f की वैल्यू सपोज मान लीजिए 0.15 से कम, मान लीजिए 0.12 आ गई, तो f की वैल्यू हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा f इज़ इक्वल टू 0.12, एंड e इज़ इक्वल टू व्हाट, e इज़ इक्वल टू जो कैलकुलेटेड आएगा वो नहीं, क्योंकि वो 0.07 से ज़्यादा हो गया है, तो e की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0.07 मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है इस केस में कि अगर हमारी f की वैल्यू 0.15 से कम आई तब तो ठीक है, अब अगर 0.15 से ज़्यादा आ गई तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे, तो 0.15 से अगर ज़्यादा आ जाएगी तो हमें स्टेप 3 की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब आपका स्टेप 3 क्या कहता है ये देख लो, तो स्टेप 3 में हम एक काम करेंगे कि e की जगह पे हम e max वैल्यू लेंगे, और e max हमारा क्या है, 0.07, ठीक है, और f की जगह पे f max लेंगे जो कि हमारा क्या है, 0.15, ठीक है, ये दोनों हम max वैल्यू लेंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्चुअल वेलोसिटी को निकालते हैं। अब एक्चुअल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास वही है, e प्लस f इज़ इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 127 r, ठीक है, और ये जो हमारा v है उसी को हम क्या बोलते हैं, va, यानी ये हो जाती है हमारी एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है, और यही va की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे, e की जगह पे हमें 0.07 रखना है, f की जगह पे हमें 0.15 रखना है, r की जगह पे हमें क्या रखना है, r जो रेडियस ऑफ कर्व हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो रखेंगे, और va एक्चुअल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपकी एक्चुअल वेलोसिटी जो भी निकल के आएगी, ठीक है, अगर हमारी डिज़ाइन स्पीड से कम आती है, ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि अभी डिज़ाइन स्पीड हमारी क्वेश्चन में आपको 60-70 जो भी दी हुई है, अगर उससे कम एक्चुअल वेलोसिटी ज़्यादा आ गई डिज़ाइन स्पीड से, तब तो ठीक है, उस केस में वैल्यू जो होगी हमारी ओके, VA की जो भी वैल्यू आएगी हम वही वैल्यू आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर हमारी डिज़ाइन स्पीड की वैल्यू ज़्यादा है एक्चुअल वेलोसिटी से, तब हमें क्या करना होगा, तब हमें वहाँ पर स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, स्पीड का रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कई जगहों पर रोड पे साइन बोर्ड देखा होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन बोर्ड लगाएंगे, ठीक है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन का साइन बोर्ड, स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक। ये हो गया हमारा डिज़ाइन पोर्शन, ठीक है। इस तरीके से देखिए, हमें ये चीज़ देखनी है कि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं ना क्वेश्चन, अगर हम सुपर एलिवेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए हमें फार्मूला क्या रखना है, e+f = v² / 127r, ठीक, = v² / gr, राइट। और यही चीज़ अगर हमारी सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करनी होती है, तो हमें इतने प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला हमें याद रखना है कि ई कैलकुलेशन = v² / 225r से शुरू करेंगे अगर डिज़ाइन की बात हो रही है। अगर ई कैलकुलेटेड की वैल्यू ई मैक्स से ज़्यादा हो जाएगी, तो हम स्टेप टू की तरफ मूव करेंगे, अगर कम होगी तो कोई बात नहीं, वही हमारा आंसर होगा, ई की वैल्यू जो है, जो भी हमारी ई कैलकुलेटेड आई है उसके बराबर होगी। अब अगर हमारा ई कैलकुलेटेड ई मैक्स से ज़्यादा हो गया, तो हम स्टेप टू पर जाएंगे, और स्टेप टू से हम क्या करेंगे, एफ़ की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एफ़ की वैल्यू अगर हमारा 0.15 से ज़्यादा आ गया, तो हम स्टेप थ्री की तरफ जाएंगे, कम आएगा तो फिर हमारा जो भी एफ़ की वैल्यू आई है वो हमारी वैल्यू कंसीडर कर ली जाएगी, ठीक है। और स्टेप थ्री पे हम क्या, जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टेप थ्री में जब आते हैं, तो हम एक्चुअल वेलोसिटी VA की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और VA अगर हमारा डिज़ाइन स्पीड क्वेश्चन में जो भी हमारा डिज़ाइन स्पीड होगा, अगर उससे VA ज़्यादा आ जाता है, तो तब तो ठीक है हमारा एक्चुअल वेलोसिटी, लेकिन अगर हमारी डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा होती है और एक्चुअल कम होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, स्पीड का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ओवरऑल डिज़ाइन की बात, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।